दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी कुछ अलग मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं हर एक वीडियो में कुछ मेरा एक टॉपिक नहीं रहता, अलग अलग टॉपिक पे मैं खुद करता हूं, सीखता हूं और आपको भी मैं दिखा देता हूं। तो आज मैं जो बनाने जा रहा हूं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको इनक्यूबेटर कैसे बनाते हैं और उसका कैसे यूज करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, वो सारी बातें हम इसमें आज देखेंगे। अब इंक्यूबेटर मतलब क्या, तो इंक्यूबेटर मतलब मुर्गी के बिना अंडे में से चूजे निकालना, मतलब मुर्गी के जो पिल्ले निकलते हैं अंडे से तो वो निकालना होता है। ओके, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो हमारे पास मुर्गी तो है ही नहीं फिलहाल, आपको एक अंडे लेना पड़ेगा और अंडे में से ही मतलब चूजे निकलेंगे। तो उसके लिए सारी बातें मैं यही पे आपको बता दूंगा। एक्चुअल दोस्तों ये जो मशीन है तो मैंने आज से कम 20-21 दिन पहले ही बनाई है, उसका टेस्ट भी किया है मैंने और आज 21 दिन के बाद कुछ अंडे क्रैक हो चुके हैं, मतलब उसमें चूजे तैयार हो गए और वो आज या कल निकल भी आएंगे। ओके, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए क्या चाहिए और जो पूरा वीडियो है जो मैंने इंक्यूबेटर कैसे बनाया उसके लिए क्या होना, तो ये अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन आज जो बताने वाला हूँ तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी अंडे में से चूजे निकलेंगे, नहीं तो आपके सारे अंडे खराब भी हो सकते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए, तो आपको एक सबसे पहले पुट्ठे का या फिर थर्मोकोल का कोई बॉक्स चाहिए, जिसमें जब आप हीट जनरेट हो जाएंगे उसमें तैयार तो वो बाहर ना निकले और मेंटेन रहे, इसलिए पुट्ठे का कोई बॉक्स चाहिए। उसके बाद आपको उसमें हीट कितना बनाना है, तो हीट बनाना है 37.5 डिग्री से 38 डिग्री तक आपको उसमें हीट तैयार करना है। अब आप हीट उसमें कैसे जनरेट करेंगे, तो उसमें कुछ 60 वैट का बल्ब लगा सकते हैं या फिर 100 वैट का भी बल्ब लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों एक टेम्परेचर कंट्रोलर करके एक सर्किट भी मिलता है जो मार्केट में आसानी से 200-250 तक मिलता है, और आप अगर ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जो आपको चीज़ चाहिए वो सारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद देखो 37.5 डिग्री से 38 डिग्री तक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके लिए आप टेम्परेचर कंट्रोलर करके किट ले सकते हो। उसके बाद ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ह्यूमिडिटी चाहिए 60-70%, उसके लिए आप उसमें वाटर पानी रख सकते हो और उस पर छोटा सा 12 वोल्ट का कोई भी फैन लगा सकते हो, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपको लेना चाहे तो। ओके, उसके बाद समझ में आया, उसमें आपको लाइट लगाना है, उसे कंट्रोल करना है टेम्परेचर 37.5 से 38 डिग्री। ओके, तो ये आपको कम से कम 21 दिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अगर कंटिन्यू नहीं रखा तो शायद आपके अंडे खराब हो सकते हैं। और गांव में अगर आप बना रहे तो गांव में देखो कभी कभी बिजली भी नहीं रहती, तो उस टाइम आप वहां पे बैटरी भी यूज कर सकते हैं। अब बैटरी पे इंक्यूबेटर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं जो इंक्यूबेटर बनाया हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिक से भी चलता है, और इलेक्ट्रिक ना रही 5-6 आवर तो वो ऑटोमेटिकली बैटरी भी चलता है, मतलब जो टेम्परेचर है वो उसमें मेंटेन रहता है। उसके बाद आपको उसमें अंडे रखना है, तो अंडे कौन से रखना है, तो अंडे अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए, जैसे कि 10-12 दिन पुराने, ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, और देसी मुर्गी के ही अंडे चाहिए, जो आप स्टोर से लेके आते हो किसी दुकान या फिर फार्म से जो व्हाइट वाले अंडे लेके आते हो, एक्चुअली वो अंडे में से चूजे नहीं निकलते दोस्तों, वो जो अंडे रहते हैं जो फार्म में मिलते हैं तो इंजेक्शन के अंडे रहते हैं, वो खाने के लिए बनाए रहते हैं, मतलब जो मुर्गियाँ रहती हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है और इंजेक्शन देने के बाद वो अंडा हमें मिलता है। और कुदरत का भी नियम है दोस्तों, जब मतलब कोई मादा और मादी मिलके ही कुछ मतलब बच्चा पैदा हो सकता है, उसके सिवा नहीं हो सकता, और ये जो फार्म के अंडे रहते हैं वो इंजेक्शन से रहते हैं, उसके कारण उसमें नहीं बन सकते। ओके, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर कंटिन्यू रखना है, जो मैंने टेम्परेचर बोला है 37.5 डिग्री से 38 डिग्री तक, तो वो आपको कंटिन्यू रखना है, चाहे आप बैटरी यूज करें चाहे कुछ भी यूज करें। ओके, उसके बाद जब आप ऐसा करेंगे, अंडे उसमें रखेंगे देसी मुर्गी के ही रखेंगे, तो वो अंडे को आपको दिन में 3-4 बार रोटेट करना है, मतलब टर्न करना है 3-4 बार। अगर इंक्यूबेटर में कुछ इंक्यूबेटर आप बना भी सकते हैं ऐसा कि ऑटोमेटिकली अंडे टर्न हो, तो वो भी इंक्यूबेटर में अगली बार बनाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल जो बनाया हुआ हूँ मतलब बनाया है तो वो हाथ से ही मैं टर्न करता हूँ।
तो आपको वो हर एक दिन 18 दिन तक, 21 दिन में से 18 दिन तक आपको हाथ से टर्न करना है, ओके। और 7 दिन के बाद आप वो अंडे को चेक भी कर सकते हैं। अंडा अगर आपने अपने मोबाइल के फ्लैश पे रखा तो अंधेरे में आपको दिख जाएगा कि उसमें कुछ ना कुछ बन रहा है, तो आप ऐसे टेस्ट भी कर सकते 7 दिन के बाद। उसके बाद हर एक दिन बाद वो अंडे में से कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाएगा और 17-18 दिन तक वो पूरा काला हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखो आफ्टर 21 दिन, जब 21 दिन हो जाते तो ऑटोमेटिकली वो अंडे में से, मतलब 18 दिन तक आपको टर्न करना है, और जैसे ही 18 दिन के बाद आपको टर्न करना बंद कर देना है और उसमें ह्यूमिडिटी बनाना ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए आप और ज़्यादा पानी रख सकते हैं, मतलब ह्यूमिडिटी उसमें बन जाए। क्यों? क्योंकि 20-21 दिन के बाद जब चूजे बाहर निकलेंगे तो जो अंडा का छिलका होता है तो ह्यूमिडिटी के कारण थोड़ा नरम हो जाता है और वो जल्दी बाहर निकल सकते हैं, ओके। उसके लिए उसमें ज़्यादा पानी चाहिए और अंडे को टर्न भी करना बंद करना है 18 दिन के बाद। और जैसे 21 दिन होते हैं तो चूज़ा उसमें से बाहर निकालना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ अंडे में से नहीं निकलता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो आप आराम से वो छिलका निकाल भी सकते हैं, मतलब उसमें से चूज़ा आराम से बाहर निकलेगा। उसके बाद जैसे चूजा बाहर निकलता है तो 1-2 घंटे में वो पूरा फ्रेश हो जाएगा, चलना फिरना हो जाएगा। लेकिन कुछ जो चूजे हैं दोस्तों तो वो पानी नहीं पीते, तो उसको आपको खुद से पानी पिलाना पड़ेगा, उसमें कुछ रखना पड़ेगा पानी और कुछ खाने के लिए भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी अंडों में से भी चूजा निकलना शुरू रहते हैं, तो जो निकले हैं तो उनके लिए पानी और खाने के लिए कुछ रखना पड़ेगा। और जो चूजे पानी नहीं पीते तो उससे खुद पानी जहाँ पे रखा वहाँ पे लेके जाके उसी इंक्यूबेटर में आपको पिलाना पड़ेगा। एक बार अगर वो पानी पीते तो फिर वो बार बार वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आप अभी तक जो चीज़ बताई है, ये आप ठीक से सब कुछ बातें करेंगे तो ही आपके अंडे में से चूजे बाहर निकल सकते हैं। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस किया तो समझो आपका इंक्यूबेटर काम नहीं करेगा अच्छे से, क्योंकि मैंने टेस्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले तो फार्म के अंडे रखे थे, 5 रखे थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने पता किया तो मैंने वो निकाल के रख दिए, क्योंकि फार्म के अंडे में से चूजे नहीं निकलते। आपको देसी मुर्गे के अंडे लेना है, और देसी मुर्गे के अंडे आपको अपने गाँव में या फिर कहीं पर भी लेना है तो 10 रुपये में मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो अंडा आप ले रहे हो वो फ्रेश हो, और फ्रिज में तो बिल्कुल भी ना रखा हो। अगर अंडे को फ्रिज में रखा है तो वो उसमें से चूजा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा तो उसमें मैं सारा क्लियर कर दूंगा कि कैसे बनाया, क्या क्या उसमें सर्किट लगाया और कैसे उसकी वायरिंग की, लाइट कौन सा लगा, ये सारा मैं उसमें बता दूंगा। तो दोस्तों मुझे भी ये लगता है कि लॉकडाउन शुरू है और इसमें आप कुछ ना कुछ सीखिए। मैंने भी वैसे ही किया, जो लॉकडाउन है उसमें मैंने ये थोड़ा सीखा और ख़ुद भी बनाया और उसका टेस्ट भी किया, क्योंकि मेरे घर में कोई मुर्गी बिर्गी मैं रखता नहीं, लेकिन मुझे करना था तो मैंने किया। और एक बात आपको बता दूँ कि जब मैं छोटा था तो तब भी मैंने भी एक टोपरा लिया और उसमें 0 का बल्ब लगा दिया, और 0 का बल्ब लगा के, क्योंकि मुझे पता था कि जो मुर्गी अंडे निकालते हैं तो उसमें हीट रहता है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी टोपरे में अगर 0 का बल्ब लगा दूंगा तो वो निकलेंगे। लेकिन वो वैसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा था और ह्यूमिडिटी भी उसमें नहीं मिल रही थी, और गाँव में तो कभी कभी बिजली भी चली जाती, तो वो सारे अंडे ख़राब हो गए थे। लेकिन इस बार जो मैंने बनाया है तो पूरा उसका नॉलेज लिया, वो कैसे बनते हैं, क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, और क्या क्या सामान रखता है, ये सारी बातें मैंने पहले सीखा, उसके बाद ही बनाया। और बनाने के बाद आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो भी मैंने टेस्ट करके बनाया है। मैंने जो इंक्यूबेटर बनाया उसको 21 दिन हो चुके हैं और उसमें से कुछ अंडे में से अंडे क्रैक भी हो चुके हैं, मतलब आज या कल ही उसमें से चूजे भी बाहर निकलेंगे। ये सारा करके ही मैंने आज वीडियो बनाया, मतलब प्रॉपर जो आपको बताना था मुझे तो वो मैं सारा चीज करके ही मैं बताने वाला था, और उसका टेस्ट करना जरूरी था। और ये टेस्ट जो करना है दोस्तों कुछ 1-2 घंटे का काम नहीं रहता, उसके लिए पूरे 21 दिन लगते हैं, और आज पूरे 21 दिन हो गए उसके बाद ही मैं वीडियो बनाया है। तो कल या परसों और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा। और आपको अगर बनाना रहा तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो भी सामान लगता है वो सारा है,
और कुछ लोग तो खुद इससे ही बिजनेस भी शुरू करते हैं, जो स्टार्ट से ही बिजनेस करना शुरू करते हैं, तो कुछ लोग खुद मशीन बनाते हैं और खुद का बिजनेस कुछ ना कुछ करते हैं ताकि उसमें से उनको कुछ पैसे मिल सकते। तो आपको भी सलाह, अगर आप करना चाहें तो पक्का इस तरीके से कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए, और जब आप इसको ग्रो करेंगे, बड़ा हो जाएगा, तो आपको बहुत मुनाफा होगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो देखते रहिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।